हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा मैंने सोचा आज आउटडोर चले जाएं। मैं खड़ी हुई यहाँ देख रही थी और मुझे दिखा कि इतने अच्छे फूल यहाँ मेरे टेरेस में उगे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों को भी मैं दिखाऊं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, आज की वीडियो का मकसद आईसीसी अवार्ड्स 2019 और आईसीसी अवार्ड्स 2019 में क्लीन स्वीप कर दिया इंडियन प्लेयर्स की। अगर मैं बात करूं, तीन नाम इंडिया के प्लेयर्स के जो हैं वो आईसीसी अवार्ड्स में 2019 में जो है वो आपको दिखे, मगर जो नाम और सामने आए हैं वो सारे नाम ऐसे थे कि वो एक्सपेक्टेड नाम थे। यानी अगर मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूं, पता था कि वो प्लेयर्स जो हैं वो आईसीसी अवार्ड्स 2019 में जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। जैसे कि सबसे पहला नाम अगर मैं बात करूं, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी जिसको मिली है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो बेन स्टोक्स ने हासिल की है। और बेन स्टोक्स का 2019 वाज अ ब्रिलियंट ईयर, जिस तरह वो खेले, जिस तरह वर्ल्ड कप में ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर जिसने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साथ ही साथ एक ब्रिलियंट इनिंग उन्होंने खेली ड्यूरिंग एशेज और एक वन ऑफ हिज बेस्ट टेस्ट इनिंग्स उन्होंने खेली एशेज के दौरान। सो 2019 हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर बेन स्टोक्स। इनफैक्ट 2020 में भी मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। जिस तरह वो अभी रिसेंटली खेले, सबने बड़ी बात की बेन स्टोक्स के बारे में। बेन स्टोक्स का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताती चलूँ तो 1540 रन उन्होंने ऑल टुगेदर ऑल फॉर्मेट में किए हैं, 34 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं, यानी टोटली ऑल राउंड परफॉर्मेंस रही है उनकी तरफ से, और इसीलिए वो हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। आगे बढ़ते हैं और टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो से टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इज़ नन अदर देन द ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस। और पैट कमिंस वही हैं जो कि, ये तो मैं टेस्ट की खैर बात करी, मगर पैट कमिंस वही हैं जो कि आईपीएल में बहुत महंगे बिके हैं, सबसे महंगे। तो पैट कमिंस की अगर मैं बात करती हूँ तो ही इज़ बीन ब्रिलियंट द लास्ट ईयर 2019 में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, और इन परफॉर्मेंसेज की बेसिस पे ही हैज़ वन द आईसीसी अवार्ड ऑफ बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर। और जिस तरह 2009 में उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, टोटल 12 टेस्ट उन्होंने खेले हैं जिसमें 59 डिसमिसल्स हैं, 59 बैट्समैन को जो है उन्होंने डिसमिस किया है, दो दफ़ा 5 विकेट हॉल भी है उनका। और साथ ही साथ ये कि अगर मैं इकोनॉमिकल बात करूं तो इकोनॉमिकल भी रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि विकटें हासिल किए हैं, इकोनॉमी वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 2.7 की इकोनॉमी से उन्होंने इतनी सारी विकटें हासिल की हैं। उसके बाद बारी आती है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019, एंड दिस वुड नॉट बी अ सरप्राइज एट ऑल, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा की, वो परफॉर्मेंस आपको दिख रही थी, आपने वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस देखी। ऑल टुगेदर पूरे 2019 में अगर रोहित शर्मा को रन्स मशीन कहा जाए तो इट वोंट बी रॉन्ग एट ऑल, जिस तरह वो खेले हैं पूरे 2019 में। इनफैक्ट 2019 से पहले भी अच्छा खेल रहे थे, मगर जो उनकी फॉर्म 2019 में लगी हुई थी इट वाज ब्रिलियंट। एक दफ़ा मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर, शायद यहीं आप लोगों को कह दिया था कि वो जी थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे। रोहित शर्मा का आउट ऑफ फॉर्म ये होना है कि अगर दो इनिंग्स में उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की है तो एकदम से लगता है जैसे रोहित आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं शायद, इस वजह से, क्योंकि एवरी टाइम वेन ही कम्स इन ही बैट्स रन्स रन्स रन्स, जितनी भूख रन्स की उनको है, मुझे नहीं लगता अभी पूरी क्रिकेटिंग फ्रटर्निटी में कोई है जिसको रन्स की भूख है। और अगर मैं बात करूँ तो ओडीआई के हवाले से, तो 28 ओडीआई उन्होंने 2019 में खेले, यानी 28 ओडीआईज ऑल टुगेदर इन अ ईयर, जिसमें 1490 रन्स हैं उनके और 57.3 की एवरेज से खेले विद अ स्ट्राइक रेट मेंटेन्ड एट 89.9 विच इज़ ब्रिलियंट। ऊपर से आके तेज़ी से खेलने का एक ख़ास जो है वो अदा है रोहित शर्मा की। 7 सेंचुरीज़ की हैं इन्होंने, रोहित शर्मा ने इस पूरे साल में, और 6 हाफ सेंचुरीज़ की हैं। तो रोहित शर्मा के लिए एक ब्रिलियंट ईयर रहा 2019। उसके बाद मूव ऑन करें हम अगले खिलाड़ी की तरफ, तो अगले खिलाड़ी भी आई वॉज डेफिनेटली श्योर जब वो इंसिडेंट हुआ था
वर्ल्ड कप में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आई वॉज डेफिनेटली श्योर कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आईसीसी अवार्ड्स में ज़रूर इसका नाम आना है. आईसीसी अवार्ड का एक अवार्ड जो होता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो होता है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो होता है, जब वो इंसिडेंट हुआ था आई वॉज़ वेरी श्योर कि उस इंसिडेंट के बाद ज़रूर ये नाम आएगा, और वो नाम आया विराट कोहली का. अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा था, और स्मिथ को जो है वो बाउंड्री के पास, जब स्मिथ बॉलिंग करने गए, बैटिंग उस वक्त विराट कोहली कर रहे थे, और एकदम से आवाज़ें आना शुरू हो गई इंडियन फैंस की तरफ से, ही इज़ अ चीट, और उसको दे वर बूइंग हिम. सो विराट कोहली वेंट टू द बाउंड्री, बाउंड्री के करीब जाके विराट कोहली ने जो इंडियन फैंस थे उनको चुप करवाया, और फिर उसके बाद इंडियन फैंस जो हैं वो स्मिथ के लिए चीयर करना शुरू करने लगे, विच वॉज सो ब्रिलियंट ऑफ हिम. इतना इतना उस पूरे इंसिडेंट को बहुत अप्रिशिएट किया गया, विराट कोहली की इस पूरी हरकत को बहुत अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह उन्होंने ही स्टेप्ड फॉरवर्ड फॉर स्मिथ एंड विच वॉज ब्रिलियंट. तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको अप्रिसिएशन तो मिलनी थी, और वो अप्रिसिएशन मिली स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिलकर, और विराट कोहली जो हैं वो हकदार हुए उस अवार्ड के. मूविंग ऑन फर्दर, आगे मैं बात करूँ तो एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आई जब इंडिया वर्सेज बांग्लादेश हो रहा था, और इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का तीसरा T20 था, हाँ थर्ड T20 था, नागपुर में, जी नागपुर में खेला गया था वो थर्ड T20, जहाँ पे दीपक चहार ने जो है वो विकटों पे विकटे हासिल करते गए करते गए करते गए, और बेस्ट T20 फिगर्स जो हैं वो चहार के हिस्से में आई. उन्होंने 6 विकटें हासिल की, 6 विकेट्स सिर्फ 7 रन्स देकर, और वो पहले वो इंडियन खिलाड़ी बन गए जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक भी की, यानी इन 6 विकेटों में हैट्रिक भी थी और इसके अलावा फिर 3 विकेट्स और थी, और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो चहार की. सो अगर मैं टीम इंडिया की बात करती हूँ तो टीम इंडिया के अभी करंटली खेलते हुए 3 खिलाड़ी आईसीसी अवार्ड्स 2019 में आपको दिखे हैं सामने, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, और उसके बाद दीपक चहार हैं. सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, कहाँ, किस वजह से कोई पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो हमें नहीं दिखाए इन अवार्ड्स में. 2019 हैज़ नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर पाकिस्तान ऑल टुगेदर, क्योंकि 2019 में ही जो है वो पाकिस्तान के पूरी थिंक टैंक चेंज हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुई, कोच मिकी आथर थे वो बदले, मिसबाउल हक आ गए, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक थे वो बदले, मिसबाउल हक आ गए. सो मिसबाउल हक का एक वन मैन शो शुरू हो गया. पता नहीं ये वन मैन शो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, आई बिलीव, और सबको ये बिलीव रखना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम हर चेंज सेटअप को देना चाहिए, बिकॉज टाइम लगता है सेटअप चेंज होने में. मगर T20 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक सेटल्ड टीम T20 की जो कि नंबर 1 पे बैठी हुई थी, उस सेटल्ड टीम को जो है वो अनसेटल कर दिया गया जैसे ही एक नई मैनेजमेंट आई, और उन्होंने उसको अनसेटल कर दिया. फिर जो है कैप्टन चेंज कर दिया गया. सो बहुत सारे चेंजेस हुए. अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करती हूँ, सो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत मेजर चेंजेस आपको दिखे 2019 में. सो 2019 हैज़ नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर टीम पाकिस्तान. बट अगर मैं बात करूँ कि क्यों इन अवार्ड्स में कहीं कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं दिखता, वो इस वजह से नहीं दिखता क्योंकि इन प्लेयर्स को भी खुद ब्लेम करना पड़ेगा, इन प्लेयर्स की कमिटमेंट को ब्लेम करना पड़ेगा. दे नीड टू वर्क हार्ड, दे नीड टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, अपने आप से ऑनेस्ट हों, अपने आप से सिंसेयर हों, और अच्छे तरीके से खेलें, तभी जाके आपको अवार्ड्स मिलते हैं. हम हमेशा जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं एक ही नाम सामने नज़र आता है, विच इज़ बाबर आजम. और अब देखते हैं कि अब आगे, अब T20 खेला जाएगा. T20 जो है वो जनवरी में ही खेला जाएगा बांग्लादेश का, 24th, 25th and 27th, हाँ यही शायद तीनों डेट्स हैं. इन्हीं डेट्स पे जो है वो 3 T20s खेले जाएंगे. सो देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, किस तरह की होती है. 2020 का स्टार्ट है एक तरीके से, और उस स्टार्ट को हम कैसे लेके चलते हैं, इस कैंपेन को कैसे लेके चलते हैं. बट गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट इंडिया,
इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर कि 3 खिलाड़ी जो हैं वो इन ICC अवार्ड्स का हिस्सा हैं। उसके अलावा बाकी नाम भी हैं और वो बाकी नाम भी आपको साथ साथ जो है वो दिख जाएंगे ड्यूरिंग माय वीडियो। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने ICC अवार्ड जीता और ICC अवार्ड का हिस्सा बने। एंड आई होप कि 2020 में हमें कुछ पाकिस्तानी नाम भी दिखें इन ICC अवार्ड में, 2-3 नहीं तो एटलीस्ट एक नाम तो कोई दिखे। इसी नोट के साथ टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड खुश रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।